जय माता दी। डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 3:30 और आज है सप्तमी, जो कि मेरा निर्जला उपवास है। रात को मैं करूंगी खरना। और ये जो मैं है सुबह देखने आई थी पूजा घर में कि आज क्या क्या करना है, तो देखिए कल शाम मैंने जो पूजा किए थे फूल जो पूरे मुरझा गए हैं। और मैं कल 2 ही सेब मैंने चढ़ाया था माता को, और कुछ मैंने सामान मंगा लिए हैं पूजा का और कुछ बाकी है, तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। तो मैं आज आपको ये बताऊंगी कि सप्तमी और अष्टमी अगर आप कर लेते हो तो आप नवरात्रि के बराबर कर लेते हो, मतलब फल आपके उसके बराबर का ही मिलेगा। तो इसलिए मैं नवरात्रि नहीं करती हूँ और मैं सप्तमी अष्टमी ही करती हूँ। और 20 साल से ही कर रही हूँ, मैं शादी से पहले ही से कर रही हूँ। तो मैंने जो है इसमें मंगाया है, थोड़े बतासे हैं और दिए हैं, 2 नारियल है, 1 माला है, और उसके बाद चुन्नी जो मेरे हस्बैंड ले आए हैं वो बहुत छोटी है, मतलब मेरे माता रानी की फ़ोटो पे वो नहीं आ पाएगी। और ये माला है, आज मैं उस चुन्नी को चेंज करूँगी ताकि बहुत छोटी है, होगी नहीं। देखिए चुन्नी तो बहुत खूबसूरत थी, बहुत सुंदर लग रही थी, बहुत प्यारी, मगर बहुत छोटी है इसलिए मैं चेंज करूँगी इसको। और अभी मैं सुबह उठ के ब्रश व्रश करके मैंने बस पानी पिया है, गर्म पानी थोड़ा सा, उसके बाद मैं जो है वीडियो बना रही हूँ। और मैं वॉइस ओवर इसलिए कर रही हूँ ताकि मेरे दोनों बच्चे सो रहे हैं। देखिए मेरी फ़ोटो इतनी बड़ी है और मेरी चुन्नी बहुत छोटी है जो कि नहीं आएगी, तो मैं चेंज करूँगी। और आज की पूजा की जो भी विधि विधान है, जो प्रसाद है, कैसे किया जाता है, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अगर आप लोग नवरात्रि नहीं करते हो, देखिए मैंने कल जो ये कपड़े धुले थे तो यहीं पे सब ने उठा के डाल दिए, मुझे ये भी सेट करना है। तो मैं, अगर आप लोग नवरात्रि नहीं कर पा रहे हो तो आप ये पूजा कर सकते हो, नवरात्रि के बराबर ही आपको फल मिलेगा। और ये केला जो है मैं अभी एक खाऊंगी क्योंकि मुझे दिन भर तो कुछ लेना नहीं है। और ये गिलोई स्वरस है पतंजलि का। और मेरे दोनों बच्चे देखिए कैसे सो रहे हैं, और ये पैंट जो है रात को यहीं पे खोल के कुर्सी पे डाल दिया है, देखिए कितना मगन होके सो रहा है। यहाँ अभी सुबह बहुत ठंडी पड़ रही है मगर मेरे बेटे को बहुत गर्मी लगती है, अभी पूरा ऐसे ही पूरा टी शर्ट जो है निकाल के सो रहा है। तो मेरी जो है चाय चढ़ी हुई है, मैं अब चाय पीऊँगी और मैं एक केला खाऊँगी, उसके बाद दिन भर कुछ नहीं खाऊँगी और रात में प्रसाद बनाऊँगी तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और देखिए मेरा चाय बन रहा है, और ये जो मैंने उस दिन किचन पूजा के लिए साफ़ किया था, जो वीडियो आपके साथ शेयर किया था उसी का है। ये डिब्बे मैंने साफ करके नीचे सुखा के रखे हूँ, इसे भी सेट करना है। ये मेरी चाय बन गई है, मैं इसे छान लेती हूँ, उसके बाद जो है मैं आराम से चाय बैठ के पीऊँगी। आप लोग भी आ जाइए चाय पीने के लिए, और अकेले में चाय जो है अजीब लगता है पीने में, और मुझे आज पीना ही पड़ेगा क्योंकि अभी शायद 3:30 बज रहे थे उस टाइम, अभी 4 बज रहे हैं। और ये मेरी छलनी जो है टूट गई है, रोज़ सोचती हूँ लेने की, मगर होता है ना बड़ा बड़ा सामान आदमी सोचता है कि जो याद रहता है, छोटे छोटे सामान पर कम ध्यान देता है, तो इसलिए अभी तक नहीं ले पाई हूँ, मगर अब सोच रही हूँ याद से ले लूँगी। तो ये मैंने छान ली चाय, और आप लोग भी पी लीजिए 3:30-4 बजे की चाय। और पूरा किचन रात का फैला हुआ है, कल मैं रात को मेहंदी लगा के ऐसी सो गई थी, मैंने नहीं समेटा था, आज समेटूंगी। और ये कप थोड़ा सा फूटा हुआ है तो मुझे पता नहीं था, अब मैंने इसमें चाय रख लिया तो पी ही लूँगी, और तो मैं पी लूँगी चाय और आपके साथ शेयर करती हूँ। बाहर का व्यू थोड़ा उजाला हो गया है, और ये मेरी मेहंदी है जो मैंने रात में लगाई है, और मुझे मेहंदी लगाने आती नहीं इसलिए मैं सिंपल ही ऐसे ही कुछ कर लेती हूँ। तो मैं आपको खिड़की से दिखा देती हूँ, देखिए सुबह एकदम हल्का हल्का अंधेरा है और नीला नीला आकाश दिख रहा है, बहुत अच्छा फील होता है सुबह उठ के। मगर मैं उठती हूँ, बहुत सवेरे उठती हूँ, मगर इतना जल्दी नहीं उठती हूँ, 5 के बाद ही उठती हूँ, मगर आज मैं 3:30 बजे उठ गई थी। तो अगर आप लोग नए होंगे मेरे चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल बटन तो प्लीज़ प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी कोई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। और जितना सपोर्ट आप लोग कर रहे हैं उसके लिए थैंक यू सो मच। तो मैंने ये पूजा का बर्तन निकाल लिया था और मैं इसे साफ करूंगी, और आप लोग देखिए बस कीजिए, और थैंक यू सो मच। मैं आज का सपोर्ट का पूजा का वीडियो आपके साथ जरूर शेयर करूंगी।
करोगे तो आप वो पूजा कर सकते हो, आपको नवरात्रि का बराबर का ही फल मिलेगा। बाय बाय। देखो।